नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम बनाने जा रहे हैं दाल भर के पूड़ी। आइए आपको दिखाते हैं इसमें क्या क्या सामान लगता है। देखिए दोस्तों, हमने दाल पूड़ी बनाने के लिए 250 ग्राम चने की दाल ले ली है। दोस्तों हम इसे दाल को अच्छे से धो के उबाल लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारी दाल उबल रही है और इसमें हम थोड़ा सा एक चम्मच हल्दी पाउडर और हल्का नमक डाल देते हैं। देखिए दोस्तों, दाल हमारी उबल के रेडी हो गई है। देखिए दोस्तों, हमने मसाले के लिए आधा छोटा जो अदरक लिया है और थोड़ा सा लहसुन, और हमने थोड़ी सी काली मिर्ची, थोड़ा सा जीरा लिया है छोटे चम्मच, और 8 से 10 हमने लाल मिर्ची ली है। देखिए दोस्तों, हमारी जो दाल उबली थी और सारा मसाला हमने रेडी किया था, अब इसको हम सबको एक साथ पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने पीस के रेडी कर लिया, अब इसका हम आपको पराठा बना के दिखाते हैं। देखिए, हमने आधा किलो आटा ले लिया है और इसमें हम थोड़ा सा नमक डाल देते हैं और थोड़ी सी अजवाइन डाल देते हैं, और इसको हम दोनों को मिक्स करके आटे को सान लेते हैं। तो हमने एक चम्मच जीरा ले लिया है और इसको हम तवे पे हल्का ब्राउन भूज लेते हैं। देखिए दोस्तों, जीरा ब्राउन हो चुका, अब इसको हम पीस लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने जो जीरा पीस के रेडी किया था, अब इसको हम पीसी हुई दाल में डाल के और स्वाद अनुसार नमक डाल के दोनों को मिला लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा दाल पीस के और हमने सब मसाला मिला के रेडी कर लिया। देखिए दोस्तों, हमने आटे की लोई बना ली है, अब इसमें हम मसाला डाल के भर लेते हैं। ऐसे हल्के हाथ से देखिए, हम गोल गोल इसे घुमा लेते हैं और हल्के हाथ से दबा के इसकी कचौड़ी बनाते हैं। देखिए दोस्तों, हमने इसे गोल गोल कर लिया, अब इसे हम थोड़ा सा हल्के हाथ से चपटा करके बेल लेते हैं। ज़्यादा ज़ोर से बेलने से दोस्तों ये फट जाता है। देखिए दोस्तों, तेल हमारा कढ़ाई में गर्म हो गया, अब कचौड़ी हमने जो बेल के रेडी की थी इसको हम छान लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा कचौड़ी बन के रेडी हो गया। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। बाय दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।